आगे आ जाइए तो अच्छे से आवाज आएगा, नहीं तो मैं जल्दी से आगे आऊंगा। आगे बंद करेंगे, छोटा प्रार्थना करेंगे, ठीक है? प्रार्थना करेंगे साथ में। रोज का थीम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस बारिश के समय में भी आपने हमको यहाँ पर इस जगह पर इकट्ठा किया है, आपके पवित्र वचनों को सुनकर आपके पवित्र वचनों का बीज बोने के लिए हमें यहाँ भेजा है। और इन भाई बहनों को आपने अपने घरों से बाहर निकाल कर यहाँ इकट्ठा किया है। हे पवित्र आत्मा, इस जगह को आपके नियंत्रण में अभी मैं दे देता हूँ और अपने आवाज़ को, अपने कंठ को, अपने गले को और सब कुछ पर पवित्र आत्मा आपको मैं नियंत्रण देता हूँ। और प्रभु यीशु के नाम से इस गिरजाघर के हर एक कोने को चारों तरफ से बांध देता हूँ और इसी समय हर एक ध्यान भटकाने वाला दुष्ट आत्मा, डिस्ट्रक्शन का आत्मा, जो कोई भी आत्मा इन भाई बहनों को आपके पवित्र वचनों को सुनने और समझने से रोकता है, उस आत्मा को मैं बात करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से इसी समय जड़ से उखड़ जा और समुद्र में चले जा, जो जगह प्रभु ने तेरे लिए बनाया है। मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, बल्कि ये विश्वास करता हूँ कि जैसा मैंने अभी कहा है वैसा ही हुआ है। और ध्यान भटकाने वाला आत्मा, वचन चुरा लेने वाला आत्मा इसी समय प्रभु यीशु के नाम से उखड़ कर समुद्र में चले गया है। मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ जैसा मैंने अभी कहा वैसा ही हुआ है। हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं? ठीक है। थोड़ी देर पहले तो सब ये नहीं पहने थे, अभी पहन लिए। क्यों पहन लिए? ठंडा है कहाँ? शरीर में। शरीर में ये बाहर शरीर में ठंडा है, ये क्यों डाल दिया? बाहर ठंडा है, शरीर के अंदर गर्मी है। वो बाहर का ठंडा आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकाल दे, इसलिए आपने उसको ढक लिया। सही है, सही है। अगर आप कपड़ा ढकते हो तो क्या होता है? शरीर का गर्मी शरीर के अंदर ही रहता है ना, और आपको अच्छा लगता है, गर्म लगता है, सही है। लेकिन अभी खाने के पहले पवित्र आत्मा का गर्मी लगा कि नहीं लगा? लगा। ये गौरी बहन ने अभी सिखाया, क्या सिखाया, कुछ समझ में आया? तो घर कहाँ बनाया है? बालू पे कि चट्टान पे? चट्टान पे। कौन सा वाला चट्टान पे? क्या महंगाई? गहराई। कौन सा? गहराई। गहराई किधर वाला? गहराई चट्टान वाला। चट्टान वाला ऊपर वाला? नहीं, तो नीचे वाला। नीचे वाला। और फादर जी ने मेरा परिचय दिया था, पहले कौन सुबह कौन नहीं आए थे? अभी अभी कोई आ रहे हैं जो सुबह नहीं थे? सब लोग थे। एक गौरी जब सिखा रही थी, एक बहन जब बच्चन सिखा रही थी, सब थे ना? सब कोई थे। धन्यवाद। एक गौरी ने बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया वचन को, है ना? जी हाँ। लेकिन थोड़ा बोलते समय थोड़ा लग रहा रहेगा ये लड़की क्या, ये तो 2.5 साल से बनी है, 2.5 साल से तो उनका जानती है, मैं तो 21 साल से जानती है। क्या होगी, कितने साल से? मेरे को भी ऐसे ही लगा था जब मैं पहली बार सुना था,
क्या बोलेगी?
हालेलुया। वो लड़की अपने, वो बहन अपने गवाही सुना रही थी, वचन के साथ में गवाही सुना रही थी। मैंने ये चर्च के बाहर चलते रहा था बच्चे को लेकर और ये सुनाई दिया और मैं चर्च के अंदर आगे गया। यहाँ पर इंट्रेंस के सीढ़ी होता है ना, वहाँ पर बैठा बच्चे को लेकर, क्योंकि बच्चा छोटा था मेरा, चिल्ला रहा था, उसको लेके बैठा और सुनने लगा। अब उसको सुनते सुनते वो वचन पढ़ा रही थी, इफिसियों अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 है बाइबल आपके पास, खोलेंगे कैसे खोलेंगे, हाथ तो अंदर है। हालेलुया, बाहर आया तो गर्मी निकल जाएगा। हालेलुया, इफिसियों अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 क्या लिखा है इसमें, ये सब वचन है ना हम क्रिश्चियों के लिए प्रभु बोलता है। क्या बोलता है प्रभु वचन हम सबके लिए, जो विश्वासी है, जो प्रभु को जानते हैं, हमने अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, उनके लिए बात कर रहा है प्रभु। इफिसियों के नाम सब पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 उसकी कृपा से विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया गया है। या किसी पुण्य का फल नहीं है, या तो ईश्वर का वरदान है। या आप किसी कर्म का विस्तार नहीं, यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। हालेलुया, ये वचन में लिखा था उसकी कृपा ने, किसकी कृपा ने, ईश्वर की कृपा ने विश्वास के द्वारा हम सबका उद्धार किया है। किया कि नहीं, कैसे मालूम, है ना, वचन बताता है योहान 3:16 में कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर ऐसे प्रकट किया कि उसने संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि हर एक व्यक्ति जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश नहीं हो, सर्वनाश नहीं हो, बल्कि वह अनंत जीवन पा जाए। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो मैं अपने आप को भी पूछता था, मिला अनंत जीवन, क्या होता है अनंत जीवन, पहले तो वो पता होना चाहिए, क्या है अनंत जीवन, अनंत जीवन का मतलब आपके अनुसार क्या है, बात करेंगे कैसे, मना किए क्या फादर ने आपको बात करने से, करेंगे मेरे से बात, आप बात करेंगे ना तो सीखेंगे, बताइए। हालेलुया, यही हालत मेरा भी था जब कोई पूछता था बोलो कि नहीं बोलो, गलत निकल गया तो क्या बोलेंगे सब, है ना, कोई बात नहीं, गलत निकल गया तो सही करेंगे ना, तभी तो सीखेंगे, साइकिल चलाना सीखे, हाँ अच्छा ठीक है, आपके यहाँ साइकिल चलाने के लिए थोड़ा उल्टा दे रहा रास्ता है, लेकिन साइकिल चलाते समय चिकने रास्ते पे फिसलती साइकिल, फिसलती तो क्या होता है, गिरती है, गिरने के बाद ऐसे पड़े रहते हैं, उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर से चलाते हैं, चलती है साइकिल, चला सकते हैं ना,
लेकिन उठे ही नहीं तो चला सकते? हालेलुया। तो हमको क्या करना है? उठना है और फिर प्रयास करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोलता है प्रभु कि परमेश्वर की कृपा से विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया गया है, किया गया है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्रों को हमको भेज दिया ताकि हम अनंत जीवन को पा लें, है ना? तो अनंत जीवन का मतलब क्या होता है जानना है? मैं क्या समझता था अभी तक बताता हूँ। अभी तक नहीं, 2019 तक मेरी समझ के अनुसार ये था, आशीर्वाद से भरा हुआ जीवन, खूब अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हालेलुया। खूब जमीन जायदाद, किसी चीज की कोई कमी नहीं, ये होता है आनंद जीवन। हाँ सही बोल दिए, सही बोल दिए। ये होता है अनंत जीवन का मतलब, होए थोड़ा सा पार्ट है वो, एक बहुत छोटा सा पार्ट है अनंत जीवन का, लेकिन सबसे बड़ा चीज है परमेश्वर चाहता है कि हमको उसने इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए भेजा है हम उसको जाने और एक स्वस्थ संपन्न आशीर्वाद से भरा हुआ संपूर्ण जीवन जिए। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में समस्या है, हाँ, चिंता है घर पे, हाँ, चिंता के साथ मड़ी, चिंता मड़ी। हालेलुया। डर है नहीं है? किस किस को डर नहीं लगता है? ये तो सबने सुना बराबर। किस किस को डर लगता है? डर आता है नहीं आता है? एक गोरी फोटो खींच। ये तो पहला गांव है जिधर किसी को डर नहीं लगता, चिंता भी नहीं होती। होती है, कब होती है? क्यों होती है? जब समस्या आती है ना, समस्या को देख देख के हम डर जाते हैं, होता है कि नहीं? उदाहरण, गांव में कोई बीमार पड़ा घर पे, अभी एक दिन रुके, दो दिन रुके, ठीक ही नहीं हो रहा है, घरेलू इलाज करके देख लिया, चलो भाई दवा खाने लेके गए, दवा खिलाया, कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो डॉक्टर ने बोला तीन दिन बाद और दूसरा अस्पताल जाओ। वहाँ गए बड़ा अस्पताल, वो डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिया, अभी टेस्ट का रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में लिखा है आपको कोरोना वायरस ने पकड़ लिया। हुआ था ऐसा 2020 में? हुआ था ऐसा? हुआ था। क्या हो रहा था? कोरोना का रोना। तो कोरोना क्या फैला रहा था? सर्दी, खांसी, बुखार। डरा भी रहा था, इतना डर के घर में घुस के बैठे बाहर ही नहीं आए। आप लोग तो बहुत, आपका गांव बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पता है कैसा था? शहर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग में पता क्या होता है, घर के बाहर निकलने से पहले सैनिटाइजर, लिफ्ट पे गया हाथ लगाया सैनिटाइजर, लिफ्ट के बाहर निकल इधर गया सैनिटाइजर। क्या करता है सैनिटाइजर? बोल बोला वो मार देता है, कीटाणु को मारता है। लेकिन पता है आपको असली क्या करता है? वो जो परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है ना कीटाणु को मारने की शरीर के अंदर, उसको मार देता है, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको खत्म कर देता है। हालेलुया। हम उधर नहीं जाएंगे। हालेलुया।
और वचन पे आएंगे। तो जब मैं ये वचन सीख रहा था तो इसके अंदर में दो चीज है, अनंत जीवन अभी समझ में आया क्या है, स्वस्थ संपन्न आशीर्वाद से भरा पूरा जीवन। क्या ऐसा जीवन है हमारे पास? बीमारी आती है, चिंता लाती है, डर लाती है, पैसे की तंगी आती है, नौकरी की समस्या आती है, आती है। हालेलुया, हालेलुया। किसको नहीं आती है? हाथ उठाओ। है कोई ऐसा? हालेलुया। हालेलुया। तो ये तो आम बातें है ना, हमको लगता है डर आम बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा ताकि हम सबका उद्धार हो और हम विश्वास द्वारा उद्धार पाए, है ना। लेकिन डर और विश्वास दोनों के उल्टा है, जहां डर है वहां विश्वास नहीं है। हालेलुया। विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से, डर आता है समस्या की वचन को सुनने से। आता है कि नहीं? अभी एक उदाहरण दिया कि डॉक्टर ने बोला आपको कोरोना हो गया, क्या करेंगे? डॉक्टर ने बोला एक मिनट भी नहीं लिया बताने के लिए, ये रिपोर्ट में लिखा है कोविड पॉजिटिव, सबसे पहले उसको मास्क लगाना, थोड़ा दूर गया और बोला कोरोना हो गया कोविड पॉजिटिव है, सैनिटाइजर लगाए घर जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ। क्या करेंगे अभी? कितनी बारी आवाज आती है डॉक्टर की? आवाज आती है, आती है कि नहीं? कैसे आती है? डॉक्टर ने तो एक बार बोला ना, क्या बोला? कोरोना हो गया। लेकिन उसका रोना तो दिन भर रहता है नहीं? वो जो रिपोर्ट है आपसे बात करता है नहीं करता। मन में बात करता है, फिर आई तो नहीं करता है। बात करता है ना, बार बार करता है, रोटी बेलते समय, मंडी बनाते समय, सब काम करते समय आता है। एक टाइम ऐसा आता है कि रहा नहीं जाता है, सबको बताने लगते है मेरे लिए प्रार्थना करना, रिपोर्ट नहीं आया है, बोलते हाँ खबर पहुंचाते फादर के पास, फादर जी प्रार्थना करना, हाँ हालेलुया। उदाहरण दे रहा हूँ, हालेलुया। कोई भी बीमारी आए तो ऐसा करते हैं हम, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समस्या आपसे बात करती है, समस्या दिखा दिखा के। ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि ये जो डर है ना, ये दुष्ट आत्मा है। कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल है आपके पास? दूसरा तिमोथी अध्याय 1:7 खोलिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने नहीं दिया है हमको? हालेलुया। 2 तिमोथी अध्याय 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको भीरुता का नहीं, भीरुता का आत्मा नहीं दिया है, डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ्य से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ और आत्मसंयम का आत्मा दिया है। वो आत्मा है पवित्र आत्मा। क्या आप जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। मिला कहाँ भी? सेकंड तिमोथी, हाँ, सेकंड तिमोथी, वन तिमोथी, वन तिमोथी है, वन तिमोथी, नहीं, 2 तिमोथी 1:7, 2 तिमोथी 1:7
यहाँ मनोभाव लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में है स्पिरिट। दो तीमोथी अध्याय एक वाक्य सात बैठ ना पाते क्या बैठ तो क्या पसीने लग रहे हैं। थैंक यू। दो तीमोथी अध्याय एक अध्याय एक वाक्य सात। हालेलुया। पढ़िए पीछे पीछे दोहराइए। हालेलुया हालेलुया बस इतना ही। मंडी नहीं खाया हाँ तो फिर नीचे आवाज आ रहा है हालेलुया। ठंडा लग के इतना ठंडा हुआ कि आवाज भी ठंडा हो गया। हालेलुया हालेलुया। जब आप हालेलुया बोलते हैं ना तो ये उबलता हुआ गर्म पानी पड़ता है वो डर का दुष्ट आत्मा के ऊपर। जैसे कुत्ता पे जानवर पे गर्म पानी डाला तो कैसे करता है? कुत्ता के ऊपर फेंका है गर्म पानी कैसा करता है? चाओ 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 भाग जाता है। ऐसे शैतान भागता है जब आप हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर ने हमें भीरुता से नहीं भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। ये मनोभाव बहुत शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है आत्मा। इंग्लिश में लिखा हुआ है For God has not given you the spirit of fear, but the spirit of power, love and sound mind. Spirit मतलब आत्मा। Hallelujah. 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 तो परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है जो सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। उसी पवित्र आत्मा से सुंदर सृष्टि बनी है। उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं ना कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो क्या था? सबसे पहले पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा था, समुद्र था, पानी पानी था, और क्या हो रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। उत्पत्ति एक में पढ़ेंगे उत्पत्ति एक में। हालेलुया। आप लोग के पास में बाइबल है? कितने लोगों के घर में है बाइबल? घर में यहाँ तो नहीं है, वो तो पता है मेरे को। हालेलुया है क्या? पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा भी नहीं घर में है है तो बताइए ना। हालेलुया। मेरे घर में भी बाइबल थी तीन लेकिन कहाँ रखी थी? पटरा पे। प्रार्थना के दिन निकलते हैं उसको पहले धूल को साफ करते हैं, धूल रखते हैं, माला पिराते हैं। ऐसी करते हैं इधर? मैं तो ऐसी करता था क्योंकि कभी खोल के देखा ही नहीं। हम लोग भी ऐसी करते हैं ना, इसलिए पता नहीं है। हालेलुया। वो जब मैं रिट्रीट गया था ना, ये इसके जैसी बहन वो वचन प्रवचन सुना रही थी, वहाँ पीछे ऐसा पोस्टर लगा था बड़ा सा, उस पे लिखा था होशिया 4:6 का वचन। इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा था। क्या लिखा था? माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। मतलब मेरे लोगों का विनाश हुए जाता है क्योंकि उनके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मैं चकरा गया, मैं अपना बाइबल खोला तुरंत, यही वाला बाइबल, उसमें लिखा हुआ है हिंदी ट्रांसलेशन। मैं समझ गया इधर तो कुछ और ही लिखा हुआ है। पढ़िए फादर जी क्या लिखा है। प्रारंभ
अच्छा हाँ हो गया, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप वही उसको थोड़ा बोल कर खेल रखिए। हालेलुया, मेरा ट्रैक चेंज हो जाता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। और किसी के पास बाइबल नहीं है? वो कहाँ गए भाई, घर छोड़ दिए? तो ले लो ना भैया, आप तो ठंडे ही हो गए, ठंडी लग के यहाँ बैठो ना, मदद करो। हालेलुया। देखो बाइबल को भी ठंडी लग रहा है क्या? ऐसे ना पेट के रखिए, पवित्र आत्मा का गर्मी है, वो जब तक खोलेंगे नहीं ना वो काम कैसे करेगा। हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन है, और वचन जब परमेश्वर ने बोला तभी ये सुंदर सृष्टि बनी है। अभी पढ़ेंगे हम उत्पत्ति एक में, फादर जी मोशे का अध्याय। हालेलुया, हालेलुया, होशिया 4:6। आई थिंक इन देयर बाइबल इट्स डिफरेंट नो, या वही बताना मुझे क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, मेरे पास भी है यहाँ मोबाइल पर वही बाइबल, मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मजे की बात है, मैं पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से, और वो रिट्रीट थी इंग्लिश की, वो लड़की थी तमिलनाडु की, चेन्नई वाली मलिया, वो तमिल बोलने वाली, उनका भाषा ऐसा था ला 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 ला, समझ में नहीं आता है, तो इंग्लिश भी बोलती है इंग्लिश, तो मेरे को तो इंग्लिश ऊपर से जाएगा, लेकिन मैं बैठा था। हालेलुया, हालेलुया, सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था। वो लड़की पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए वो भी इंग्लिश ऐसी सीखी थी, धीरे धीरे बोल रही थी। हालेलुया, पढ़िए, मिल गया होशिया 4:6 अध्याय 4:6। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है। अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूँ। वो उत्तम मत पढ़ो, शुरू का जो लाइन है ना वहां पर, यहाँ पर लिखा हुआ है धर्म और भक्ति, यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बोला यहाँ पर लिखा हुआ है नॉलेज, यहाँ लिखा हुआ है धर्म और भक्ति। धर्म और भक्ति की तो कमी नहीं है, है ना, हर प्रार्थना में आते हैं हम, हर मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, नहीं आते हैं ना, भीड़ की भीड़ सबके सब आते हैं, खूब प्रार्थना भी करते हैं, है ना, विनती उपवास भी करते हैं, मैं खुद भी करता था, लेकिन कमी कहां पर है? तब समझ में आया, इंग्लिश बाइबल खोल के पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, और ईश्वर का ज्ञान है उसका पवित्र वचन, और उस वचन की अज्ञानता में हम सब का नाश हुए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम में धर्म और भक्ति की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन हम में प्रभु का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान को कहाँ रखा है हमने, पटरा पे, नहीं तो पेटी के अंदर, है ना। हालेलुया, कब खोलते हैं? 6 महीना में एक बार, साल में एक बार, सही है, यही हालत है ना अपना। हालेलुया, इसीलिए हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है, और वो शैतान तो उसका काम करते जाता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसको मालूम है इनको ज्ञान आया तो ये सच को जान जाएंगे। ये बहन ने वचन सिखाया है ना, कौन सा सिखाया, योहन 8:31 में लिखा हुआ है, तुम सच को जान जाओगे और सच तुमको स्वतंत्र कर देगा। वो सच क्या है? ईश्वर का ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया, और वही ज्ञान हमको देता है विश्वास। विश्वास एक पुलिया के समान है, ये आपके पास नदी है ना, इधर नदी पे पुलिया नहीं है। हालेलुया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु ने,
अभी वो पुलिया से पुलिया नहीं है तो कैसे जाना पड़ता है? पानी के अंदर से बाढ़ आ गया तो जा सकते हैं? रुकना पड़ता है पानी उतरने का, है ना? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसी होता है, इंतजार करते रहते ना हम, तकलीफ के लिए प्रार्थना करते, हम सोचते कि मेरा प्रार्थना प्रभु एक दिन जरूर सुनेगा, है ना? सोचते रहते हैं ना, लेकिन हमारा प्रभु बोलता है वचन में, वो बोलता है मेरे कान बहरे नहीं है। इजायस का ग्रंथ, नबी इजायस का ग्रंथ अध्याय 59:1 वचन 1, वहां पर प्रभु का वचन बोलता है मेरे कान बहरे नहीं है, मैं सुन सकता हूं। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को सुनाई देता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रुकावट कहां है? प्रार्थना हमारी परमेश्वर के टेबल तक जाते जाते रुक जाती है, क्योंकि विश्वास नहीं है बीच में, विश्वास का वो पुलिया नहीं है। हालेलुया, तो हमारी प्रार्थना को आपके जैसी टांग तो नहीं है कि नदी को चल के चले जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, क्योंकि विश्वास भी एक आत्मा है, डर भी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा से आता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी पढ़िए फादर जी, वो पहला वाला उत्पत्ति का। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ समझ में आया, यहाँ तक नहीं आया, क्या बोल गया मैं? प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को, पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान पड़ी हुई थी। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। मतलब पृथ्वी पर सिर्फ गड्ढा था, गर्त, अंधकार भरा हुआ था और पानी था। अंधकार छाया हुआ था ऊपर और नीचे से पानी भरा हुआ था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर, और ईश्वर का आत्मा सागर के ऊपर विचरता था। विचरना का मतलब क्या होता है? स्वर्ग से ऊपर नीचे आना, मंडराना। एक अनुवाद में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा मंडराता था। मंडराता लिखा है पंडित जी का, विचरता। हालेलुया, हालेलुया। आगे ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया। बस जी, ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो जाए। अगर ईश्वर कहते नहीं तो कुछ होता? कैसे हुआ ये कार्य? शब्द से, परमेश्वर के शब्द से, वचन से, क्योंकि वो वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, और उस वचन के द्वारा ये सुंदर सृष्टि देख रहे हो ना आप, इसका निर्माण हुआ है। और वो वचन कहाँ पर है? उस वचन को प्रभु बोलता है अपने हृदय में जगह दो। मैंने कहा रखा था पटरा पे, पेटी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी एक रिट्रीट में जब मैं छोटा था तब वचन सुना था, अभी वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये वहां पर जाएंगे, अभी अपने पास 2 दिन है, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, तो मैं वापस जाता हूँ कि ये जो वचन का अज्ञानता है, उस रिट्रीट में जब वो बहन प्रवचन कर रही थी तो मेरी नजर गई सबसे पहले उसके पीछे पोस्टर पे, जहाँ लिखा हुआ था मेरे लोगों का विनाश हुए जाता है क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। काय का ज्ञान? वही शब्द का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान। हालेलुया। और वही वचन वो लड़की सिखा रही थी, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकती थी, तो मैं सोचा झूठ बोल रही हूँ। ऐसी लगता है ना, जब वो लड़की बोल रही है कि 9वीं क्लास में फेल हुई
और अभी यहाँ पर इतना बढ़िया अंग्रेजी में पढ़ा रही है जैसे कोई टीचर है। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, पीछे बैठा था ना, क्योंकि कभी बाइबल खोला ही नहीं है, पटरा पे रखा हुआ है, तो मन में तो ऐसे ही आ रहा था, इसलिए चले गया बाहर। लेकिन जब उसका गवाही सुना तो अंदर आया, फिर उसने बोला आगे, क्या बोला वचन के अंदर में, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:8 में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु पीछे वाले नहीं, तो मम्मी लोग तो हंस रही है, बोलती भी नहीं हालेलुया 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 हालेलुया। इफिसियों अध्याय 2:8 अभी हमने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी कृपा ने, ईश्वर की कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो यहाँ पर वो बहन शिकारी थी, कृपा का मतलब, कृपा क्या है, वो ऐसे सवाल कर रही थी, कृपा क्या है, व्हाट इज ग्रेस, इंग्लिश में बोल रही थी, ग्रेस लड़की का नाम है, है? कृपा आपके गांव पड़ोसी के नाम है नहीं है, है कृपा है, लेकिन प्रभु यहाँ दूसरी कृपा की बात कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा। हालेलुया, इसका मतलब क्या होता है, कृपा का मतलब क्या होता है, बताइए। यहाँ पर स्कूल गए बच्चे लोग, स्कूल गए हा? अभी तुम स्कूल में जाए गए हा? परीक्षा आया, परीक्षा में लिखा नहीं बराबर, पास होने के लिए चाहिए 33 नंबर, तुमने लिखा है 32 नंबर का, टीचर फेल करेगी हा? पास कर देगी, क्यों पास कर देगी, एक नंबर है, क्या फेल करना है, बच्ची का साल खराब हो गया है, है ना, तो क्या बोल के देगी, कृपा करके, हाँ लिखेगी, दया करके, कृपान लिखेगी, कृपा करके एक अंक दे दिया, कृपान लिखेगी, है ना, दया करके, दया करके। लेकिन वो लड़की उसके लायक थी, लिखा तो नहीं है कुछ, इसका मतलब है कि ईश्वर, उसका कृपा का मतलब है ईश्वर अपना सामर्थ्य, अपना प्रेम, अपना शक्ति हमको देना चाहता है, जिसके हम लायक नहीं है, पाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो देना चाहता है, ग्रेस कृपा। हालेलुया हालेलुया। ये वो लड़की समझा रही थी, क्योंकि वो लड़की 9वीं तक नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन जब प्रभु का वचन सीखने लगी तो उसके अंदर विजडम आया, विजडम बोलते तो ज्ञान है ना, ईश्वर का ज्ञान आया, वो ईश्वर का ज्ञान लेकर पढ़ाई करना चालू करी। लो 9वीं छोड़ो, कॉलेज कर लिया, वो भी मेडिकल से डॉक्टर बन गई, वो भी ऐसे बच्चों का जो उसके समान मन के कमजोर थे, और इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई कि वो वहां पर भी इलाज करती थी तो वचन लिख के देती थी चिट्ठी पे, डॉक्टर लिख के देता है ना कुछ, तो घिसी पीटी राइटिंग में लिखता है दवाई का नाम, ये वहां वचन लिखती थी। हालेलुया। और वो वचन लेके जाते थे और बच्चे ठीक हो जाते थे, और इसका डिमांड इतना बढ़ने लग गया कि इसको प्रवचन के लिए हर जगह बुलाने लग गए, तभी इसको जाना पड़ा फुल टाइम, तो इसने वो नौकरी छोड़ दी।
ये बता रही थी बोला। अच्छा इंटरेस्टिंग है, बैठता हूँ। वो टाइम पे जब वो कृपा के बारे में बता रही थी, वो बोली कि मैं तो ये पाने के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी कृपा द्वारा मुझे ज्ञान दिया। और ये सुन के मुझे याद आया कि मैं भी तो वो लड़की का ही भाई था। अभी आपको मालूम नहीं है ना, फादर ने तो बताया तो इंजीनियर, लेकिन अंदर की बात नहीं मालूम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं भी नौवीं तक फेल होता था। पहली से लेके नौवीं तक ग्रेस मार्क से धक्का मार मार के पास हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी नौवीं क्लास में खसक खसक के टीचर ने पास तो कर दिया, आठवीं में 2 साल बैठा था, फेल हो गया क्योंकि वहां पर तो बोर्ड एग्जाम होता है ना, टीचर बदल जाती है, 2 साल बैठना पड़ा। अभी नौवीं भी खसक के निकल गया, दसवीं में क्या होगा, फेल फेल फेल। 3 महीने का पढ़ाई नहीं है कुछ, लेकिन प्रभु का ज्ञान है। वचन योहान अध्याय 15 वाक्य 5, संत योहान का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5, ये एक वचन ने मेरे को इंजीनियर भी बनाया, नौकरी भी लगाया और ऊपर उठा के गया। हालेलुया। ये सब मुझे कब याद आया, जब वो लड़की अपनी गवाही बता रही थी। ये गौरी अभी आके बता रही थी ना वचन प्रवचन, हमें कहा था बाहर। हालेलुया। लेकिन बाहर से कहा आया, अंदर, और अंदर से कहा आया, इधर। हालेलुया हालेलुया। कैसे आया, जब वो वचन को लिया और मैंने भी निश्चय किया कि मैं अपना घर बनाऊंगा चट्टान पर। हालेलुया हालेलुया। वो वाली चट्टान पे नहीं, खोद खोद के गहराई में जाके नीचे वाली चट्टान पर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पढ़िए, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, और तुम डालियां हो, डालियां हो, जो मुझ में, जो मुझ में रहता है, रहता है, और मैं जिस में रहता हूँ, रहता हूँ, वही बहुत फलता है, वही बहुत फलता है, क्योंकि क्योंकि मुझसे मुझसे अलग रहकर अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाइबल पटरा में पेटी में है तो किधर है, साथ में कि अलग है? अलग है ना, तो मैं भी तो वैसी था ना, तभी तो फेल हो रहा था। हालेलुया। ये वचन समझ में आया। हालेलुया। आगे पढ़ो, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। आगे आगे आगे। यदि तुम ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए और रिपीट कीजिए, ये एक लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें
जाएगा, दिया जाएगा। क्या है ये? ब्लैंक चेक मालूम है? कोरा चेक, जिसपे जितना अंक है उतना चढ़ा सकते हो, अपने नाम पे जो चाहे वो कर सकते हो। ये वचन ब्लैंक चेक है। क्या है कंडीशन उसके लिए? पढ़ो फिर से आगे की। नहीं, वही वचन को फिर से दोहराएंगे। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। आगे मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। तो अभी पिता की इच्छा क्या है? पिता ईश्वर की इच्छा क्या है? वह लिखा है ना, क्या इच्छा है? अभी बोला ना नहीं, उसके पहले हालेलुया। पिता चाहता है कि तुम फल उत्पन्न करो। कौन सा फल? टमाटर वाला है? कि वो कौन सा वाला है? आम। कौन सा फल उत्पन्न करो? पवित्र आत्मा का फल। क्या है वो? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, मिलनसारी। ये पवित्र आत्मा के फल है और पिता चाहता है कि ये फल उत्पन्न करो तुम। जब तुम ये फल उत्पन्न करना चाहोगे ना, शुरू करोगे, तो वो जो चीज के पीछे दिन भर भागते हैं ना, किस चीज के लिए पीछे भागते हैं हम? दिन रात मेहनत करते किस चीज के लिए करते हैं? पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा क्यों कमाते हैं? हर दिन का लड़ाई है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? आज का मिल गया कल के लिए, कल का मिल गया परसों के लिए, मकान मिल गया दूसरा, तीसरा, दो मंजिली, तीन मंजिली, है ना? कमी पूरा होता है, भूख बढ़ता ही जाता है ना? लेकिन पिता क्या चाहता है? जानना है क्या चाहता है? मत्ती अध्याय 6:33 पढ़ो। ये फल उत्पन्न करोगे ना, तो बाकी की चीजें ऐसी पीछे पीछे आएगी। हालेलुया। परछाई मालूम है ना? परछाई के बारे में पूछा था ना, छाया। धूप में खड़े हुए तो क्या दिखता है पीछे? छाया। छोड़ती है आपको? नहीं। जब आप यहाँ जो लिखा है वो करना चालू करोगे ना, आपके पीछे पीछे ये सब चीजें आएगी। हालेलुया। मत्ती अध्याय 6:33 में प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? पीछे पीछे आएगी, नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हो? बोलना चाहते? आप कुछ बोलना चाहते? नहीं नहीं, आप आपका ऐसा देखा अच्छा खुशी हो रहा है ऐसा। हालेलुया। ये वचन पहली बार सुन रहे?
ठंडी लग रहा है। हालेलुया, फिर से बोलो चलो। ये वचन ने कुछ तो किया है। हालेलुया, क्योंकि ये वचन जब मेरे खोपड़ी में घुसा ना, तो देखो अभी मैं बताऊंगा स्टोरी पूरा वाला। अभी तो बहुत छोटा छोटा बताया, मेरा पूरा गवाही बताऊंगा। हालेलुया, पढ़ो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अब ये यूं ही मिल जाएगी का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के घर में बैठ गए और काम धंधा छोड़ दिया। नहीं, आप ये करो, सबसे पहला ये काम करो, उसके बाद काम पे जाओ। जो भी काम करोगे उससे इतना आशीर्वाद आएगा ना, छोटा काम भी करोगे उसमें उन्नति करेगा परमेश्वर। हालेलुया, छोटा काम में भी प्रभु इतना आशीर्वाद देगा कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपके अंदर परमेश्वर का योजना भर भर के है। प्रमाण है उसका, प्रूफ है, सबूत है, सबके पास है। अंगूठा इसका चिन्ह किसी का मिलता है? हाँ, इस पे शाही लगाओगे, कागज पे लगाओगे, किसी से मिलेगा? घर में, खानदान में किसी से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट दिया है, सबसे बढ़िया योजना रखा है जो आपको नहीं मालूम है। और हम कहाँ पीछे भाग रहे? रोटी, कपड़ा, मकान, आ गया तो दूसरा। लेकिन क्या हो रहा है असली में? रुक रहा है? पैसा के पीछे भागे तो पैसा रुक रहा है? इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, जमा करने की कोशिश कर रहे तो डॉक्टर लेके जा रहा है, नहीं तो महुआ वाला दुकान लेके जा रहा है, नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही वचन ने, और इसके पहले जो पहला वचन सीखा था, ये वचन तो अभी मुझे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलवार को काम पे जाते कि छुट्टी रहता है? काम पे जाते हैं। मैं कहाँ पर खड़ा है? यहाँ खड़ा है, लेकिन मेरा काम हो रहा है, मैं प्रभु का काम कर रहा है ना। जी हाँ। जब से ये काम चालू किया ना, प्रभु ने मेरे को इंजीनियर तो बनाया था, पहले मैं नौकरी करते करते देने वाला बना दिया, कंपनी दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी वहां पर सब काम कर रहे हैं और मैं किधर है? प्रभु का वचन दे रहा है, लेकिन मेरा भी काम चलता है, ऐसा नहीं है शाम को दुकान चालू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इधर का दुकान बंद, उधर का दुकान चालू। हालेलुया, लेकिन पहले कौन सा दुकान चालू है? लिखा है ना, सबसे पहले क्या करो, पहला स्थान क्या करना है? ईश्वर के राज्य और उसकी खोज में खोज करो। हम किसकी खोज कर रहे हैं? ईश्वर की खोज। ईश्वर की खोज कर रहे हैं कि मंडी की? हालेलुया, वो सिखाया है ना लूकस 6:38 में। क्या पढ़ा? दो तुमको दिया जाएगा, क्या दे रहे हैं हम? ईश्वर का वचन दे रहे। हालेलुया, प्रभु ने हमको यहाँ भेजा है आप सबको जगाने के लिए, पकड़ कैसा हिला के वचन के द्वारा। हालेलुया, 2019 में इसके जैसी एक बहन को मेरे को हिलाने के लिए भेजा था और मैं हिल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम कहाँ थे? पहले वो एक वचन सीखेंगे आज, बाकी कल अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारा है सिखाने के लिए, लेकिन एक भी अच्छे से सीख लिया ना तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि इस एक वचन को मैं सीखा, मेरा तो लाइफ बदली हो गया।
हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। क्या है इफिसियो अध्याय 2 वाक्य 8 हम पढ़ देते ना 8 और 9 उसकी कृपा ने, तो कृपा समझ में आया क्या था? जो चीज पाने का लायक नहीं है फिर भी उसको यूं ही मिल गया। कृपा, परमेश्वर ने हमको क्षमा दे दी यूं ही, जो क्षमा पाने के हम लायक नहीं थे। हालेलुया, आशीर्वाद दे दिया यूं ही, जो आशीर्वाद पाने के हम लायक नहीं है। हालेलुया, क्यों दिया? क्योंकि उसकी कृपा से उसने हमारा उद्धार किया है। लेकिन वो उद्धार मिला है क्या? हम प्रभु यीशु को तो जान गए लेकिन हमने पुलिया ही नहीं बनाया अभी तक, नदी में ऐसे ही चल के जाना पड़ता है। हालेलुया, वो सिखाता है नदी कि सच में हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है, विश्वास का पुलिया नहीं बनाया हमने अभी तक, कि जो प्रभु ने हमको दिया है फ्री मुफ्त वरदान, इसमें लिखा है ना वह तो ईश्वर का मुफ्त वरदान है, आखिरी में लिखा है, पढ़िए वचन एक बार फिर से इफिसियों 2:8। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी भी पुण्य का फल नहीं है। हमको क्या लगता है हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य काम किए होंगे? नहीं, उसका फल नहीं है, वो ईश्वर की कृपा है जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ है। और वो कब काम करता है? जब आपके अंदर विश्वास जागता है उसका वचन सुन के। तो ये जो दो चीजें कृपा और विश्वास, ये दोनों को मिलाया उद्धार। हालेलुया हालेलुया। तो अभी उद्धार कितना हुआ है? ऐसे 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 लाना है ना कि नहीं लाना है? हालेलुया। कितने लोग सो रहे, हाथ उठाइए। जो लोग सो चुके हैं बोलिए हालेलुया। ठंड के चलते दिमाग काम करना बंद कर दिया, दिमाग भी ठंडा हो गया, ध्यान भी ठंडा हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया बोलने से भी डर रहे हैं अभी। अरे हालेलुया बोलोगे ना तो कुत्ते जैसा पानी डालोगे, चाव चाव करके भागेगा चैतन्य। भगा रहे कि नहीं भगा रहे? भगा रहे ना, तो बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया हालेलुया बोलने में कंजूसी नहीं करना है लेकिन ध्यान से सुनना है मुझे। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि पता है हालेलुया स्तुति का पानी है। जब आप खेत में बीज डालते तो क्या डालते है? रोज पानी पानी रोज हालेलुया बोलते क्या? आत्मिक पानी है, प्रभु का वचन का जो बीज डाल रहा है ना आज, इसको रोज हालेलुया स्तुति धन्यवाद देना है। धन्यवाद और स्तुति का पानी डालेंगे ना ये उगेगा। और जब पौधा बीज उगता है, पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है, उसके बाद ही तो उसमें फल लगता है ना। तो अभी हमने पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार में पिता की इच्छा क्या है कि आप सब फल उत्पन्न करो। तो फल कब उगेगा? जब पानी डालोगे, खाद पानी डालोगे, है ना, और उसके पहले बीज बोना जरूरी है। हालेलुया धन्यवाद यीशु। तो ये एक वचन फिर से पढ़िए 2:8।
उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। यह तो ईश्वर का वरदान है। वरदान क्या होता है? गिफ्ट, पुरस्कार। अच्छा, यहाँ पर जन्मदिन मनाते हैं घर में? हाँ, शादी होती ना, शादी में जाते कि नहीं? शादी में कुछ लेके जाते कि नहीं? कुछ उपहार लेके जाते हैं। तो अभी जिसका शादी हो रहा है, दूल्हा दुल्हन, उसको गिफ्ट देते समय बोलते हो लाख दे रुपए पैसे दे इसके, मांगते क्या? क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उपहार मुफ्त में मिलता है, पैसे लगते उसके। तो ईश्वर भी हमको मुफ्त में उसका उपहार दे रहा है, उसकी कृपा और उसका वचन जो हमको विश्वास उगाता है। उसका वचन बीज है और उस बीज को उसने हमको दिया है, बाइबल रखा है, पोटला रखा है, लेकिन रखा ही है बस। हालेलुया, इसको इस्तेमाल करना है हमको। उस दिन जब मैं बैठा था पीछे सुन रहा था ना, 2019 में गिरजाघर के अंदर, वो लड़की को मैंने देखा कि ये लड़की सुबह से लेकर 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक भाई ऐसे चलते जा रही है, प्रवचन करते जा रही है। बीच में खाने का ब्रेक था आधा घंटे का, उसके बाद फिर चालू, कोई गाना नहीं, कोई गाना नहीं, प्रवचन करते जा रही। मैं बोला, मैं तो कभी ऐसे देखा ही नहीं, ये कौन सा शक्ति है, ये क्या चीज है, ये ऐसा क्या हो गया, ये दीवानी लड़की हो गई? पवित्र आत्मा का शक्ति है, सामर्थ्य है। और उसके बाद तो वो तो ठीक है, एक और भाई आ गया। अभी मैं तो उसको पहली बार सुना था तो मैं सोचा था मूर्ख है, आप सुनोगे तो आप भी यही सोचोगे। पता है वो क्या था? बहराम विदेश में सरकारी नौकरी पे करोड़ों रुपए कमाता था, नौकरी वोकरी सब छोड़ के प्रमोशन करने लग गया। 23 साल नौकरी किया और 23 साल के बाद में उसको हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एक ऐसा बीमारी जो शैतानी होता है, डिमोनिक होता है, प्रॉब्लम जिसका इलाज नहीं होता है, डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है, प्रभु के वचन से इलाज होता है। और उस वचन से जब वो छूटा तो उसने पूरा निर्णय किया कि मेरे को अभी पैसे के पीछे नहीं भागना है, प्रभु के पीछे भागना है, और शुरू हो गया प्रवचन करना। और वो भी गवाही सुनाया, मैं बोला ये इतना बड़ा इंजीनियर, इतने साल उधर काम किया, तो सोचा पैसा वैसा कमा लिया होगा, बैंक में जमा होगा, अभी कर रहा है, लेकिन नहीं। हालेलुया, अभी तक फुल टाइम यही काम करता है। उसका होगा कुछ काम, नौकरी वगैरह कुछ करता रहेगा, लेकिन सबसे पहला काम सवेरे भेजता है व्हाट्सएप के ऊपर में गॉस्पल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रभु का जो वचन है ना, उस दिन पवित्र आत्मा उसको क्या बात कर रहा है लिखता है मैसेज के ऊपर, पहला पार्ट सुसमाचार में लिख के सबको भेजता है, फिर उसका खुद का भाषा में रिकॉर्डिंग करता है, उसको एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करके भेजता है, फिर 4 बजे एक बाइबल क्लास का वीडियो लेता है फिर भेज देता है, फिर शाम को भेज देता है, फिर इस बार को जब देखो यूट्यूब पे दिखता ही है वो। हालेलुया, इतना दीवानगी कहां से आ गया? हालेलुया, ये वचन लिखा है ना, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हारे यूं ही मिल जाएगी। इसके पहले किधर लगा हुआ था? नौकरी में।
कहां पर? विदेश में। क्या पकड़ लिया? दुष्ट आत्मा। छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जानना है कहां लिखा है? पढ़ो जरा, याकूब का पत्र अध्याय 4। इससे मैं सुप्री मुक्त हुआ था जब ये वचन मैं सुना ना, तो ये वचन सुनने के बाद मैं नोट्स बनाने लगा, लिखने लगा नोटबुक के ऊपर। ये सच में वचन में इतना शक्ति है, पहले तो पता ही नहीं था, हम क्रिश्चियन लोगों को मालूम ही नहीं है, है ना? कि मालूम है, है? कि कभी देखा नहीं ना, हम जो देखते हैं उसको मानते हैं ना। आज आप देखोगे यहाँ पर अनॉइंटिंग सेशन में कैसा बड़ा बड़ा काम होता है। हालेलुया। अभी हम दो जगह से आ रहे हैं, वहां पर प्रवचन के बाद कैसे बड़ा बड़ा छुटकारा होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे अपना कार्य प्रकट करता है आप खुद देखोगे अपने आप से, लेकिन कब? जब आपको सच समझ में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। पढ़िए पहला से। हाँ? चार पहला से क्या पद संख्या वचन संख्या विच स्क्रिप्चर विच स्क्रिप्चर याकूब अध्याय 4 वाक्य 15 से शायद। हालेलुया। रुको एक मिनट बताता हूँ। 13 से पढ़ो, क्या लिखा है 13 में? आप लोग जो यह कहते हैं, जो यह कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, मतलब कोई और जगह पे, अमुक नगर मतलब किसी अनजान जगह पे या शहर में, पढ़ो, अमुक नगर जाएंगे मतलब शहर में जाएंगे पैसा कमाने। पढ़ो आगे। एक वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार या रोजगार करेंगे और धन कमाएंगे। मेरी बात सुने आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है। वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। ये क्या होता है? भाप देखा ना, भाप है ना, गरम गरम चूल्हे पे रखा है, देखा हंडी उठाया, भाप दिखा, रहता है पूरे समय, एक झलक दिखाता है और गायब हो जाता है, छिप जाता है ना। ठीक वैसे ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम ये सोचते हैं कि आज मैं इधर जाऊंगा कमाने, उधर जाऊंगा कमाने, ये देश जाऊंगा, वो देश जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर गांव वापस आऊंगा, घर बनाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, शादी करूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद कौन सी मुसीबत में फंसने वाले हो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको नहीं मालूम है। उसने एक योजना बनाया है, उसने हमको छूट दिया है। अभी व्यवस्था विधि विवरण ग्रंथ व्यवस्था विवरण 30:19 में गौरी ने लास्ट वचन दिया था, परमेश्वर ने हमको छूट दिया है चुनाव करने का। पढ़ो, चलो वचन पढ़ो, व्यवस्था विवरण इसको फोल्ड करो, व्यवस्था विवरण में जाओ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 19, वहां क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, आपका फ्री विल है, आपका इच्छा, चुनाव करने का इच्छा। जैसे आप वोट डालने जाते हो ना नेता चुनने, जिसको मर्जी है उसको वोट डालो, वैसे ही परमेश्वर चुनाव करने का छूट देता है। आप जीवन को चुनो, अंधकार को, मृत्यु को चुनो। पढ़ो 30:19। हाँ, 19वां वचन। मैं आज तुम लोगों के विरोध विरोध स्वर
स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु भलाई और बुराई रख रहा हूँ तुम लोग जीवन को चुन लो। देखो यहाँ प्रभु क्या बोल रहा है, भलाई और बुराई, उसके पहले क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों के रास्ते सामने एक ले जा रहा है, भलाई करने के लिए, जीवन देने के लिए एक रास्ता ले जा रहा है, मृत्यु के गड्ढे की तरफ, बुराई के रास्ते। चुनाव हमको करना है। आपको पता है कौन से रास्ते पे चलना है? नहीं मालूम है, इसलिए प्रभु खुद बता रहा है। क्या बोल रहा है? तुम लोग जीवन को चुन लो, बोला है ना लास्ट में अंतिम वचन। वो ये भी बोल रहा है कि हमको नहीं पता है हम क्या गलत चुनाव करते हैं, इसलिए वो भी बोल रहा है तुम लोग जीवन को चुन लो। कौन सा है वो जीवन का रास्ता? प्रभु का वचन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। हमने कौन सा वास्ता चुना है अभी तक? अगर हमारे जीवन में समस्या आती है तो कौन सा रास्ता चुना है? आज रात को पूछना प्रभु से, ये जो सुन रहे ना वचन, इस पे मनन करना, चुराने मत देना शैतान को, क्योंकि शैतान का काम ही है चुराना, मारना और नष्ट करना। वो सबसे पहले वचन को चुराता है, सबसे 24 घंटा काम करता है। आप तो शायद 8 घंटा 10 घंटा काम करते होंगे, 12 घंटा काम करते होंगे, शैतान 24 घंटा काम करता है, इस मौके की तलाश में रहता है कि कब इसके अंदर से वचन को चुराए, क्योंकि वचन को चुरा लेगा तो आप कुछ सच जान नहीं पाएंगे। इसलिए वो बोलता है, क्या खोलता है, रहने देना बाइबल पटरे के अंदर। हालेलुया। इसीलिए होता है मिस्सा बलिदान में फादर आए, यहाँ पर पहला पार्ट पढ़ाया, लेकिन पहला पार्ट सुनते सुनते ही गायब हो जाता है, याद रहता है। पहला पार्ट के बाद सुसमाचार हुआ, सुना, प्रवचन हुआ, सुना, लेकिन उसके बाद पूछा कौन सा पार्ट था, चलो छोड़ो, ये खाने के पहले कौन सा वचन पढ़ाया, हालेलुया। ये क्या होता है हमारे जीवन में, अगर वचन को क्या होता है, वचन को हमको दिल के अंदर बोना है और उसको संभालना है। जैसे आप खेत की रखवाली करते हो ना, बीज बोने के बाद छोड़ देते हैं, जाके देखते हो ना कोई जानवर तो नहीं घुसा है, जानवर से बचाने के लिए क्या करते हो, हाँ घेरा लगाते हो, बीच में एक पुतला डालते हो ऐसा वाला, काग भगोड़ा है ना, क्यों करते हो ये सब, ताकि वो जो बीज लगाया है सुरक्षित रहे। और उसके बाद रोज जाके खाद डालते हो कभी कभार, लेकिन पानी तो रोज डालते हो कि नहीं, चलो 2 दिन में डालते हो, लेकिन डालते कि नहीं, पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जाएगा। तो प्रभु का वचन कैसा है, अगर आपने धन्यवाद और स्तुति का पानी नहीं डाला, चोरी करके उड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पता है कैसा होता है, उदाहरण के लिए उदाहरण देके समझाता हूँ तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। धान काटते हो, हाँ, बोरा में रखते हो, बोरा में धान काटते काटते जेब से निकला 1 रुपए का सिक्का, बोरा में गिर गया, मिलेगा नहीं, आसानी से मिलेगा नहीं। तो 1 रुपए का सिक्का क्या है, वो जो धान है ना, वो धान ये संसार का ज्ञान है, और जो 1 रुपए का सिक्का है ना, वो प्रभु का वचन है, क्योंकि वो वचन हमने सीखा इधर 1 घंटा या मिस्सा बलिदान में थोड़ी देर, और दिन भर क्या चले गए, धान काटने के लिए, बटोरने के लिए, किधर चला गया सिक्का, दब गया नीचे, टटोल रहे हैं, चलो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं।
इतना जरूरी नहीं है, खाने को तो है ना अभी। हालेलुया, सही है कि नहीं? सही है। ऐसी है ना हमारा हालत, मेरा भी हालत ऐसी था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम कहाँ थे, कौन सा वचन पढ़ रहे थे? विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 19। तो प्रभु बोलता है कि आपके पास चुनाव करने का छूट है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रभु तो बोलता है आपको जो चुनाव करना है कर लो, लेकिन प्रभु ये बोलता है कि तुम जीवन को चुन लो, ताकि तुम और तुम्हारे संतान, बच्चे, पीढ़ी, सब की सब मुक्ति पाए, अनंत जीवन पाए। और वो है जीवन का मार्ग, प्रभु का वचन, जिसको मैंने रखा है पटरे के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। पहले था पटरे में, लेकिन अभी मोबाइल में, ये तो जेब में पूरे समय रहता है ना। मोबाइल में छोड़ो, अंदर रखा है दिल के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन समझ में आया ना, यहाँ पर लिखा है ना, हम सोचते आज वो शहर जाऊंगा, वो शहर जाऊंगा। मैं भी यही सोच के गया था दिल्ली नौकरी करने, दिल्ली गया था, लेकिन नहीं पता था, छुट्टी लेके वहां से साइट पे भेजा पुणे, पुणे से गया गांव शादी में, शादी में गया घूमने के लिए बाइक से, हो गया एक्सीडेंट, हाथ मिट्ठू पाल लिया। हालेलुया, सोचा चलो प्लास्टर नहीं लगा है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा, एसी लगा के चलो साइट पे जाते हैं, काम पे चले गया, लेकिन ठंडी में ऐसा तड़ाव तड़ाव तो कर रहा है, दर्द कर रहा है जम के, क्या हो गया। फिर जैसे जैसे ठंडी हुआ, 15 दिन हुआ, डॉक्टर को पूछा नहीं कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, वो मसल्स का मस्कुलर प्रॉब्लम है, मसल मतलब चमड़ा का प्रॉब्लम है ना, हड्डी तो नहीं टूटा है, चमड़ा का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, ठंडी में थोड़ा थोड़ा दुखता है तो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा पट्टा बांध के रखो। मतलब कब तक बांधने का, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीना हो गया, फिर डॉक्टर ने डरा दिया, डर का इंजेक्शन लगाया मेरे को। लगाते हैं डर का इंजेक्शन, बोला जा एमआरआई स्कैन करा क्या, एमआरआई स्कैन तो मैं जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, एक्सरे ही देखा है, तो वो बड़ा सा मशीन के अंदर ऐसा गया, स्कैन किया, कुछ तो रिपोर्ट आया, डॉक्टर बोला तेरा हाथ काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालेलुया, इतना इतना खर्चा आएगा। मैंने बोला ये जरा सा एक्सीडेंट में इतना खर्चा आएगा, नहीं कराना ऑपरेशन, में चला। फिर याद आया अरे नहीं करा ले, फिर सब लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान क्या देते हैं सब लोग, करा ले करा ले। यार ज्ञान क्या दिया, प्रलोभन, बीमा है करा ले फ्री में हो जाएगा, हाँ जेब से नहीं जाएगा करा ले। हालेलुया, गया कहाँ कराने गया, बॉस ने बोला, वो भी लाल, वो भी होशियार है, बोला तू वहाँ छोटी जगह मत करा, दिल्ली में करा, बड़ा जगह है। बड़ा जगह मतलब उसको लगा छोटा मोटा होगा ऐसी कुछ, ऑफिस पास में आ जाएगा काम पे जल्दी, घर नहीं जाएगा। चले गया ऑपरेशन कराने, बीमा का जो पैसा था वो तो लगा लगा, जेब का भी लगा, एक महीने का प्रॉब्लम तो था ही, लग गए 3 महीना। ऑपरेशन के बाद परेशान, हर चीज में परेशान, भाई को बुलाया, घर गया, गांव गया, 1.5 महीने का छुट्टी, ना पगार है, आमदनी कुछ भी नहीं, और खर्चा सिर्फ खर्चा ही खर्चा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा वही हुआ, पता था मेरे को दिल्ली जाके ये सब होगा, है? जितना कमाया था ना 1.5 साल में, खत्म हो गया। हालेलुया, वो तो वो बीमा का पैसा भी खत्म हो गया। हालेलुया, अभी बोला क्या करे, बाप रे, होता है ऐसा, हुआ है ऐसा किसी के साथ? यहाँ से जाते ना आपके बच्चे लोग काम करने बाहर, जाते कि नहीं? जाते हैं ना,
ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं किसी को? हालेलुया। ये क्यों होता है पता है? अज्ञानता के कारण। ऐसा गलत ये बात नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए लेकिन सही ज्ञान के साथ। पहले जानो ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर का क्या योजना है। प्रभु बोलता है उसके वचन में सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3:5-6 में बोलता है कि तुम परमेश्वर पे भरोसा करो, अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर पर भरोसा करो, अपनी समझदारी पर निर्भर मत रहो, वही ईश्वर तुम्हारा मार्ग दर्शन करेगा। पढ़िए वचन, यही लिखा है ना इंग्लिश में, ट्रस्ट इन द लॉर्ड फ्रॉम ऑल योर हार्ट, डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, सबमिट योर वेज टू गॉड एंड ही विल गाइड। हालेलुया। पढ़ो जरा हिंदी में पढ़ो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। क्या लिखा है? 3:5 है, 3:6 पांच पढ़ो ना, पांच से 5 और 6 पहले 5 पढ़ो फिर 6 पढ़ो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो अपने कुछ कार्यों में क्या लिखा है आवाज नहीं आ रहा है। सब कार्यों में लिखा है। फिर से देखो आपका बाइबल में क्या लिखा है। ध्यान रखो। अपने सब कामों में क्या करना है आगे? उसका ध्यान रखो वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। सच में करते हैं हम ये काम? करते हैं क्या? कुछ कार्य में प्रभु, कुछ कार्य में चल छोड़ना, इसके लिए प्रभु को परेशान नहीं करते, अपन ही निपटा लेंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं खुद अपनी जीवन का गाड़ी चलाना। प्रभु यीशु बाजू में बैठा, प्रभु यीशु आप मत चलाओ, मैं चला लूंगा, और ठोक देते रास्ते में, है ना? हालेलुया। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए खुद ड्राइवर बने तो ठोक देते। मैंने तो ठोका, ऐसा भी हो गया। हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। प्रशस्त मतलब सीधा कर देगा। हालेलुया। जब होता है ना समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, वो बोलता है प्रभु पर भरोसा करो, संपूर्ण हृदय से, थोड़े थोड़े से नहीं, ये थोड़ा 50% इधर 50% इधर, अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर पर भरोसा करो, अपनी समझदारी पर निर्भर मत रहो। हालेलुया। 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 तो प्रभु बोलता है हमको कि तुमको चुनाव करने का छूट है,
अगर अपनी बुद्धि से चुनाव करोगे तो गलत रास्ता चुनोगे। ईश्वर पर भरोसा करोगे क्योंकि वो बोलता है तुम लोग जीवन को चुन लो। ईश्वर पे भरोसा करके जीवन के मार्ग के मतलब प्रभु के वचन के मार्ग पे चलना चालू किया, आपका डेस्टिनेशन, आपका जो जगह है उसकी योजना के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन वाला आशीर्वाद से भरा हुआ, भरा पूरा जीवन, स्वस्थ संपन्न परिपूर्ण जीवन। स्वस्थ जीवन मतलब ऐसा नहीं कि आप बीमार भी होगे लेकिन बीमारी को ऑर्डर देके निकालोगे, फटकार के निकालोगे अधिकार के साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम को फटकार के निकालोगे, जैसे कुत्ते के ऊपर पानी डाल, चाव 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 करके निकलता है ना ऐसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। है ना, ऐसा लग रहा है क्या बोल रहा है ये, क्या बोली सवेरे, ये क्या बोल रहा है ना। मेरे को भी ऐसी लग रहा था 2019 में, लेकिन जब सुनना चालू किया ना ये वचन तो सही बोल रहा है। क्योंकि मेरे को याद आया मैं दिल्ली गया था, मेरे साथ क्या हुआ था, फिर वापस आया तो क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता है उसके वचन में कि मेरी कृपा के द्वारा, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे किसी कर्मों का फल नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन 3 महीना मेहनत किया तो हो गया, नहीं, 3 महीना वचन के अनुसार कार्य किया। क्या बोला प्रभु, जो वो बोलता है मैं सच्ची दाख लता हूं, तुम हरी डाली हो, जो मुझसे जुड़ा रहता है और मेरी शिक्षा जिसमें बनी रहती है उसमें ही बहुत फल लगते हैं, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम फल नहीं सकते। कौन बोल रहा है, प्रभु यीशु खुद बोल रहा है। तो अभी अपने आप से पूछो, बाजू वाले को हिला के पूछो, दाख लता से जुड़ा है कि नहीं, पूछो पूछो पूछो, जुड़े कि नहीं, जुड़े कि नहीं है? अभी वो पूछेगी दाख लता किधर है, प्रभु यीशु से जुड़े है कि नहीं, ऐसा पूछो, प्रभु यीशु से जुड़े है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी लोग नींद आ रही है, नींद आ रही है, हाँ आ रही है, ये वाला हाँ भी नहीं भी। हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है तो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो सही तो है, नींद आ रही तभी तो हालेलुया बोल रहे ना, गलत क्या बोल रहे। सो चुके हैं तो बोलिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु, अटक गई बीच में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही जरूरी है ध्यान से देना, जैसे बीज बोया जाता है ना आपके खेत में, आप ध्यान देते हो ना, वैसे हर एक क्षण चौकन्ना रहना, कौन सा शब्द आपको भटका देगा आपको नहीं मालूम। शब्द एक बीज है, शब्द जो निकल रहा है ना बीज है, अभी प्रभु का वचन आप सुन रहे ये एक बीज है। हालेलुया, हालेलुया, वो भी एक बीज है। हालेलुया, डर का बीज है उसको, पिटाई पड़ेगा, चुप हो जा। हालेलुया, हालेलुया, उससे नहीं सुधरेगा वो, हालेलुया। वो डंडा से सुधर जाते ना तो मैं तभी सुधर जाता था, मेरे को भी बहुत पड़ती थी। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए खुद के बच्चों को लेके आगे बैठता था, मस्ती करते थे तो डराता था, नहीं माना तो पकड़ के बाहर जाता था, लेकिन जब समझ में आया ना छोड़ दिया, खेल रहे खेल रहे, लेकिन प्रभु का वचन सुन रहे हैं और वो वचन जाके उनको सिखा रहा है। क्योंकि प्रभु बोलता है अपने वचन में कि तुम्हारी संतान प्रभु द्वारा प्रशिक्षित होगी। आप नहीं सिखा सकते, वो ईश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सबसे पहले हमको सीखना है वचन, तभी बच्चे अपने आप सीख जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जिनको समझ में नहीं आया बोलिए हालेलुया। सही बोल रहे हैं। अभी शब्द बदल दिया मैंने, पीछे सुने नहीं दे रहा हूँ, सोना वाला हटा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। थोड़ा नींद को भगाए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? हाँ कि ना? मैं जब नौकरी करता था ना, तो मेरा डायरेक्टर था, कोई सवाल पूछता था तो कोई ऐसे जवाब करता था, कोई ऐसे करता था, कोई ऐसे करता था। तो बोलता है दिस आई नो व्हाट इज दिस आई डोंट नो, यस और नो, हाँ कि नहीं, हाँ पता है ना पता है, लेकिन हाँ ना क्या है? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चालू रखना है, स्तुति करेंगे जी। अभी जो बीज डाला है ना उसको पानी देंगे, क्योंकि पानी देना सीखना है। आप वचन तो हर बार सुनते हैं ना, बाइबल भी है पास में, वचन भी पास में है, क्योंकि प्रभु खुद बोलता है वचन तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे हृदय में है। विश्वास का वचन क्या लिखा है? रोमियो अध्याय 10 वाक्य 8 और 9 अंतिम वचन पढ़ो, और इस वचन को लेकर आज रात भर पानी डालना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने दूर गया है, हम प्रभु से दूर चले गए। देखो प्रभु क्या बोलता है वचन में, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 8 और 9। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? धर्म ग्रंथ क्या है? पवित्र बाइबल, प्रभु का वचन क्या कहता है? सुनो ध्यान से आगे। वचन तुम्हारे पास ही है वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्या बोल रहा है वचन? कहाँ है वचन? पटरा में, पेटी में, आपके पास ही है, आपके मुंह में, आपके हृदय में। विश्वास का वचन। हालेलुया हालेलुया। देखिए वचन तो है, प्रभु का दया कृपा भी है, प्रभु का कृपा है, अनुग्रह मिला हुआ है, लेकिन हम इस पार खड़े हैं और बीच में है नदी, ये वाली नहीं, इसके जैसी एक नदी जिसको आपको पार करके इधर आना है, तो उसको आपको विश्वास का ब्रिज का जरूरत है, पुल का जरूरत है। तैर के आने की कोशिश करोगे बह जाओगे, चिंता डर के बहाव में बह जाओगे। होते हैं ना प्रार्थना के बाद क्या होता है, कोई कोई सी प्रार्थना सालों लग जाते हैं, नहीं लगते यहाँ पर, नहीं लगता है। कोई समस्या है, प्रार्थना कर रहे हैं सालों से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है काम, होता है कि नहीं होता है? इधर होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विश्वास का पुलिया नहीं है, हम नदी को खुद पार करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो चिंता और डर का बहाव में बह जा रहे हैं, जाते हैं आगे फिर वापस ट्राई करते हैं खुद से पार करने का,
लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, वचन तुम्हारे पास है, सुनना चालू करो, विश्वास का पुल बनाओ और आओ और कृपा पालो। हालेलुया, हालेलुया। उसी के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। पढ़ा ना, कृपा और विश्वास दोनों को मिलाया तो उद्धार। कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, सही है, लेकिन उसको पाने के लिए चाहिए विश्वास। और विश्वास कैसे आता है, इसी अध्याय में 15वां वचन लिखा हुआ है, विश्वास आता है सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु का वचन। हम दिन भर क्या सुनते हैं? वचन। किसका वचन? सासू माँ का आवाज, पति का आवाज, पड़ोसी का आवाज, प्रभु का वचन। पढ़ो 15 वचन, विश्वास कैसे आता है, पढ़ो। और यदि वह नहीं, अध्याय 10 वाक्य 15 15 और यदि वह भेजा नहीं जाए, भेजा नहीं जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास कैसे आता है, विश्वास कैसे आता है? सुनने से, कुछ तो सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। रोमन्स 10:17 17 17 17 वचन पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। किसका वचन है? मेरा नहीं, मसीह का वचन। गौरी का नहीं, मसीह का वचन। हम तो खाली गवाही दे रहे अपनी कि वो वचन हमने सुना, वो प्रभु ने हमारा जीवन बदली कर दिया। आपके साथ भी वैसी होगा जब आप सुनना चालू करेंगे, उससे भी महान महान बड़ा काम होगा, क्योंकि आपके लिए उसकी योजना सबसे अलग है। मेरे अंगूठे का चिन्ह और आपके अंगूठे का चिन्ह अलग है कि नहीं है? है ना। और प्रभु क्या बोलता है कि वो चिन्ह अलग है, क्योंकि आपके पास उसके पास आपके लिए एक महान योजना है। देखना है कहाँ है लिखा हुआ है ये वचन जो लिख रहे हैं, नोट करके इसको पढ़िए आप। यर्मयाह 29:11 नबी यर्मियास का ग्रंथ अध्याय 29:11 में लिखा हुआ है कि ईश्वर के पास एक महान योजना है आपके लिए, आपके हित की योजना है, अहित की नहीं है, आपके लिए आशामय भविष्य की योजना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होमवर्क देंगे, होमवर्क 29:11-14 पढ़ना। हालेलुया, घर पे पढ़ना, अभी 29:11 पढ़ेंगे और उसके बाद स्तुति करेंगे। हालेलुया, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29:11 पढ़ो। पुराना व्यवस्थान में नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29:11 हालेलुया, हालेलुया। जो लोग चुप बैठे हैं बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
जो लोग पीछे बैठे हैं बोलिए हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मिला वचन नबी यिर्मयाह 29:11 फादर जी मिला मिल गया पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ यह प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी है। किसकी वाणी है? प्रभु की। किस बारे में? आपके लिए उसके पास एक योजना है। आगे पढ़ो। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। अहित की नहीं मतलब हित मतलब भलाई की। आपके लिए अच्छाई की योजनाएं, आपके लिए दुख संकट वाली योजना नहीं है, अहित की नहीं है। आगे तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं लिखा है कि योजनाएं मतलब बहुत सारा प्लानिंग किया है प्रभु, लेकिन वो प्लानिंग में वो योजना में आपको पता है क्या है? है कुछ पता? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि खोला ही नहीं कभी, पटरा खोला ही नहीं कभी, खोजा ही नहीं क्या लिखा है। मैंने तो नहीं खोजा था, लेकिन जब खोजना चालू किया ना मिल गया। हालेलुया हालेलुया। और जब चलना चालू किया तो क्या हुआ? प्रमोशन। हालेलुया। हर एरिया में, स्वास्थ्य में, परिवार में, घर में, कामकाज में आशीर्वाद ही आशीर्वाद भर भर के। हालेलुया। और वो बोलता है जो मैंने तुमको दिया दूसरे के साथ बांटो। हालेलुया। यही है उसकी। अगर आपने वो योजना जान लिया और उस पर चलना चालू किया ना, तो वचन लिखा है ना, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएगी। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि रोटी कपड़ा मकान में कैसे निकालूंगा, पसीना बहा के नहीं ऐसी निकलेगा। हालेलुया। जब मैं पहले नौकरी करता था दिल्ली में, रात को 18-18 घंटे काम करता था, पगार कितनी मिलती थी? 50,000-60,000 रुपए। हालेलुया। अभी वही काम करता हूँ, वही फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन वो 18 घंटे का काम कितने देर में कर लेता हूँ? आधा घंटा, एक घंटा। पगार कितनी मिलती है? 4 गुना से भी ज्यादा। हालेलुया। अभी पगार नहीं मिलती है, अभी क्या मिलता है? हालेलुया। क्या मिलता है? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है? पगार से कहीं अधिक। हालेलुया। बिजनेस में प्रॉफिट। हालेलुया। पढ़िए वचन। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। बोल रहा है ना, प्रार्थना करना मतलब क्या मालूम है आपको? प्रार्थना करने का मतलब होता है पिता का बेटे बेटियों के साथ बातचीत। हमारा पिता कौन है? स्वर्गीय पिता। वो हमसे कैसे बात करता है? वचन के द्वारा। जो वचन आप सुनते हैं ना, आपके दिल में जाता है, उसी वचन के द्वारा बात करता है। क्या आपने आज तक उनको सुना है?
प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? प्रभु नौकरी देना, छोकरी देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, पढ़ाई अच्छे अंक दिलवाना, है ना, पास करा देना, यही सब मांगते? ये सब मांगने का जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले उसका योजना को समझना जरूरी है। इसको होमवर्क लेके पढ़ लीजिए, एक बार वापस पूरा वचन पढ़ के फिर स्तुति करेंगे, ठीक है? पढ़िए 29:11 से लेके 14 तक एक बार पूरा पीछे पीछे दोहराइए। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, और मैं भाग्य पलट दूंगा। क्या लिखा है? यदि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और मिलने के बाद तुम्हारा भाग्य किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है। पता है आपको? पढ़ा ही नहीं कभी खोल के। हालेलुया, हालेलुया। आज से पढ़ना चालू कीजिए, आप खुद देखेंगे बड़ा बड़ा काम। हालेलुया, क्योंकि ये वचन जीवित है, जीवित। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4:12 में लिखा है, प्रभु का वचन जीवित है, शक्तिशाली है और दोधारी तलवार से तेज है। हालेलुया, वो शैतान के कार्यों को अलग करता है हमारे से, अंदर से, आत्मा के अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? तो स्तुति करेंगे, तो अभी तक जो सीखा उसके ऊपर स्तुति करेंगे, और ये वचन को पढ़िए, ठीक है? कल पूछेंगे, कल यहाँ पर हम पूछेंगे कि क्या सीखा, ठीक है? कल पता चल जाएगा क्या सीखा। हालेलुया, खड़े हो जाइए। हालेलुया, स्तुति करेंगे। बाय डिफॉल्ट स्टॉप होगा थोड़ी देर में। स्टोरेज खुलेगा। सब लोग को मुंह खोल के स्तुति करना है, जिसको शैतान के ऊपर गर्म पानी डालना है मुंह खोल के स्तुति करना है, नहीं डालना है तो वो आपके ऊपर डालेगा, समस्या, चिंता, डर, परेशानी। क्या करना है? मुंह खोल के स्तुति करना है। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। आंख बंद कीजिए और मुंह खोल के हालेलुया विनती कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 मुंह खोल के स्तुति कीजिए। इतने सारे लोग आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज जो वचन का बीज इन भाई बहनों के हृदय में बोया गया है, मेरा यह विश्वास है प्रभु कि यह बीज इनके हृदय रूपी अच्छी भूमि पर गिरा है और इसमें ये रोज पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। आपके स्तुति और धन्यवाद के पानी और खाद हर दिन डाल रहे हैं और आज से यहाँ पर इस गांव के सभी भाई बहनों ने आपके पवित्र वचनों को सीखना और आपकी आवाज़ को सुनना सीख लिया है। हे प्रभु, मेरा ये विश्वास है कि जो कुछ भी इन्होंने आज सुना, इन्हें समझ आया और आपके वचनों का
फसल इनके जीवन में आ रहा है, 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फसल आ रहा है प्रभु। यह मेरा यह विश्वास है और यह विनती है हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन, आमेन।, आमेन।, आमेन।